हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है रबड़ीदार खीर की, जो बहुत ही आसान तरीका से बनने वाला। आप चाहे जब चाहे तब बना के इसे खा सकते हैं कम सामानों में। बस दो टिप्स के साथ आप इसे बना करके खा सकते हैं इस गर्मियों के मौसम में। तो देखिए कितना स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ मेरा ये रबड़ीदार खीर, और खाने में भी काफ़ी डिलीशियस था ये। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले चावल को धो लेती हूँ। खीर बनाने के लिए अच्छे क्वांटिटी का चावल है ये, मेरा छोटे दाने का चावल है ये, मेरा मोतीचूर चावल है ये। तो मैं इसे पहले अच्छे से धो करके और भिगो करके मैं रख दूँगी। अच्छे से इसे भिगो करके रख देना है, और इसी के साथ चावल के अंदर थोड़ा पानी डाल दें ताकि चावल जो है अच्छे से फूल जाए। यहाँ मैं कुछ सामान को ली हूँ खीर बनाने के लिए रबड़ीदार। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, चीनी है, इलायची है और दूध है ये मेरा। तो ये मेरा 2 लीटर दूध है। मैं 2 लीटर दूध से एक रबड़ीदार खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर दूध और ये चावल के क्वांटिटी को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक रबड़ीदार खीर बनाने के लिए कितना चावल और कितना दूध को लेना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़े इलायची और चीनी को लेके इसे ओखली में कूट लूँगी। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा सा सामान के लिए मैं ग्राइंडर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्राइंडर में अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं इसे इस तरह की ओखली यूज कर रही हूँ। अच्छे से कुचल करके इसके छिलके और बीज को अलग कर लेना है इलायची का। देखिए एक पाउडर के रूप ले लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैं इसे इसके जो छिलके है उसे साइड कर लूंगी, और इस बची हुई छिलके को चाहे तो चाय बनाते समय हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। ये मेरा दूध में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है, इसे अच्छे से चला ले। अब कोई भी दूध ले सकते हैं खीर बनाने के लिए, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, या ये पैकेट वाला सूखा का दूध आता है, कोई भी दूध से आराम से खीर बना सकते हैं। तब मैं इसी के साथ जो कूट के रखी थी इलायची को ये डाल दे रही हूँ। अब 2 मिनट तक इसे अच्छे से चला लेना है, पका लेना है। अब मैं, मेरा 2 मिनट हो गया, अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दे रही हूँ। खीर बनाने से आधे घंटा पहले अगर चावल को भिगो कर रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चावल जल्दी पक जाता है। और जैसे ही चावल डालें तो हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो चावल एक दूसरे से चिपक करके बड़े बड़े साइज ले लेते हैं, जिसे खाने में टेस्ट नहीं आता है वो वाला। और हमें फ्लेम को भी थोड़ा ध्यान देना है, हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो करके ही इसे पकाना है चावल को। अगर हाई करके कुक करते हैं इस खीर को तो मेरा तो चावल पकेगा भी नहीं और दूध भी जल जाएगा, इसीलिए हमें मीडियम टू लो करके ही पकाते रहना है। जितने सारे साइड में ऊपर में मलाई आ रहे हैं सारे को अच्छे से चला करके बीच में कर देना है। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं 2 टिप्स दूंगी जो आपके खीर काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होगा। तो आप कभी भी, या रबड़ीदार खीर हो या नॉर्मली खीर हो, ड्राई फ्रूट्स में कुछ डालें या ना डालें, आप लोग उसमें जो गड़ी होती है, गड़ी और इलायची ज़रूर डालें। ये 2 चीज़ से आपके खीर में काफ़ी रंगत आता है, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है। मैं इसी के साथ थोड़ा सा गड़ी था मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं जितना चावल ली थी उतना ही चीनी को लूँगी, क्योंकि अगर बराबर क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं इससे ना मेरा खीर बहुत ज़्यादा हाई मीठा होगा और ना लो बहुत कम मीठा होगा, इसीलिए हमें चीनी को भी ध्यान दे करके डालना है। कम मीठा से भी खीर उतर जाता, ज़्यादा मीठा से भी
खीर अच्छा नहीं लगता है। अब मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, डालें या ना डालें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूखी गड़ी और इलायची ज़रूर डालें आप लोग। देखिए मेरा खीर बन के रेडी हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अब कलछुल देके ही पता चल रहा होगा कि चारों तरफ मलाई जैसा चिपका हुआ है। चलिए मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ अगर मेरा ये रबड़ीदार खीर की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। देखिए इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा गड़ी डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं अब डाल दूँगी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स यानी काजू और अब इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता बादाम बस डेकोरेट करने के लिए। ये मेरा रबड़ीदार खीर की रेसिपी बन के रेडी हो गया। तो ज़रूर बताइएगा कि एक सिंपल तरीके से कैसा मेरा बन के रेडी हुआ है रबड़ीदार खीर। बाय बाय, टेक केयर।